तुम हो क्या? तू आखिर है क्या? तुम किस किस्म के जानवर हो? वुल्वरीन। तो दोस्तों कैसे हो, सब बढ़िया? देखो मार्वल अभी जितना फेमस है पहले उतना नहीं हुआ करता था, और उसके पास इतने कैरेक्टर्स हैं जिनकी वजह से अच्छे खासे एक्टर फेमस हुए हैं। तो कई सारे ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जो अपने एक्टर्स के दम पे फेमस हुए हैं, और यही लिस्ट में अपने ह्यूज जैकमैन साहब आते हैं। और ये उन एक्टर्स की लिस्ट में से भी आते हैं जो इररिप्लेसेबल है, जस्ट लाइक अपने रॉबर्ट डॉनी जूनियर के आयरन मैन। और भाई जिस तरह से ये बंदे वुल्वरिन के कैरेक्टर को प्ले करते आया है, ऐसा लगता ही नहीं कि इसके अलावा कोई इस कैरेक्टर को इतने डेडिकेशन के साथ प्ले कर पाएगा। और अपन कोई दूसरा एक्टर इमेजिन भी नहीं कर सकते एज अ वुल्वरिन। और पूरे मार्वल यूनिवर्स में वुल्वरिन जैसा कोई म्यूटेंट नहीं जो उसके जैसी पर्सनैलिटी रखता हो। अब भले ही अपनी जिंदगी के एल लगे हुए हैं, लेकिन हमें भी बड़ी खुजली रहती है इन सबकी बायोग्राफी निकालने में, चाहे वो पॉर्न स्टार से लगे कोई कैरेक्टर ही क्यों ना हो। तो ऐसे ही आज अपन इस वीडियो में वुल्वरिन के 10 ऐसे फैक्ट्स या पावर्स हम जानेंगे जो उसकी पर्सनैलिटी को स्पेशल बनाती है, जो कि शायद ही तुम्हें पता हो। नंबर 1, देखो जब भी अपन वुल्वरिन के बारे में बात करते हैं तो लोगों के माइंड में ज्यादातर उसकी रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर या उसका अनब्रेकेबल स्केलेटन आता है, लेकिन वो उसके क्लॉस है जो उसको इतना ऑसम और यूनिक बनाते हैं। और उसके क्लॉस उसकी चमड़ी उधेड़ते हुए बाहर निकलते हैं, जिसके सबसे पहले दर्शन अपने को इनक्रेडिबल हल्क इशू 181 में देखने को मिला था। लेकिन क्या हो अगर मैं तुम्हारे को बोलूं कि क्रिएटर्स का ये आइडिया ओरिजिनल नहीं था? अगर तुम वुल्वरिन के पहले के कॉमिक्स पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उसके क्लॉस ग्लव से जुड़े हुए रहते थे, ना कि उसके हाथ से निकलते थे, जो कि इस आइडिया को 1976 की एक्समैन इशू 98 में क्रिएटर क्रिस क्लेरमोंट ने बदल दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर लोगन के पास ग्लव्स वाले क्लॉस रहे तो वो बहुत इजीली डिफीट हो जाएगा। ऐसे ही समझ लो कि उसके मुंह का निवाला कोई भी छीन के जा सकता था, जिसके बदले क्रिएटर्स ने उसे परमानेंट क्लॉस दे दिए। नंबर 2, अब देखो हम सब ये जानते हैं कि लोगन का एडामेंटियम सबसे पावरफुल मेटल है इस दुनिया में, जिसका मुकाबला कोई भी हथियार नहीं कर सकता सिवाय कॉस्मिक पावर्स के। लेकिन वुल्वरिन की जिंदगी में उसका सबसे बुरा हाल तब हुआ जब उसने मैग्नेटो से पंगा लिया, और एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास में हमने जो वुल्वरिन और मैग्नेटो के बीच में देखा वो तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि 1993 की एक्समैन इशू 25 में वुल्वरिन ने एक बैटल के दौरान अपने मैग्नेटो साहब को छुरा खोप दिया था, जिसके कारण अपने मैग्नेटो साहब को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने वुल्वरिन की बॉडी में से सारा एडामेंटियम निकाल लिया, वो भी उसकी चमड़ी उधेड़ कर, जिसके कारण उसके हीलिंग फैक्टर पर असर तो पड़ा ही, लेकिन उसके चेहरे की अलग से गांड मारे गई। नंबर 3, देखो अगर मैं तुम्हारे से पूछूं कि वुल्वरिन की 2 सबसे बड़ी गंदी हैबिट्स क्या है तो तुम लोग सोच में पड़ जाओगे। रहने दो, इसका जवाब भी मैं ही देता हूं। तो पहली है स्मोकिंग और दूसरी है ड्रिंकिंग, और ये दोनों ही चीजें जानलेवा है, लेकिन वुल्वरिन के मामले में बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जितनी भी सिगरेट पीता है उसका असर उसके लंग्स पे ना के बराबर पड़ता है, जो कि उसकी एक सिगरेट फेंकने तक उसका हीलिंग फैक्टर उसके फेफड़ों को दोबारा से हील कर देता है। और ड्रिंकिंग की बात करें तो पहली बात तो ये कि उसको नशा नहीं चढ़ता, और दूसरी बात वो एक रात में इतनी दारू पीता है जिससे एक मामूली इंसान मर भी सकता है। भाई के पास एक पावर है लेकिन उसके बेनिफिट्स देखो कितने। नंबर 4, साल 2000 से लेकर हम अभी तक ह्यूज जैकमैन को वुल्वरिन के रोल में देखते आए हैं, लेकिन वुल्वरिन के पर्सनैलिटी में एक चीज है जो उसको दूसरों के कंपेयर में अलग बनाती है, और वो है उसका गुस्सा, जिसे अपने ह्यूज जैकमैन साहब बड़े परफेक्शन से करते हैं, और उनके ऊपर वो सूट भी करता है। लेकिन तुम रियलिटी में इस बंदे को देखोगे तो ये बहुत हसमुख मिजाज का है, जिसकी वजह से मैं इन्हें पसंद करता हूँ। खैर देखो, जब यूजुअली एक आम इंसान को गुस्सा आता है तो वो चीखता है या भौंकता है या ज्यादा से ज्यादा एक दो घूंसे लात चलाता है, लेकिन वुल्वरिन उसके गुस्से को एक अलग ही लेवल पर लेकर जाता है, और जब उसके गुस्से की सीमा हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो वो और भी खतरनाक बन जाता है। जैसा हमने 2009 की ओरिजिन ऑफ वुल्वरिन ने देखा था कि जब वो विक्टर को देखता है तो वो ये भी नहीं देखता कि उसके सामने उसका भाई खड़ा है, वो उसको बड़ी बेरहमी से मारता है। या फिर बात कर लो अपने 2017 की लोगन मूवी की, जब वो म्यूटेंट सीरम लेता है बच्चों को मुसीबत में देखकर तो उसके अंदर का राक्षस बाहर आ जाता है, उसकी चीख में अपने को एक जानवर दिखता है, जो कि उसके यही गुस्से ने उसकी कई बार जान बचाई है। और तुम्हें लग रहा होगा कि लोगन उसकी ये प्रॉब्लम को पसंद करता है, तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं है, वो भी हम बाकी मर्दों के जैसा गुस्सा होने से नफरत करता है, बल्कि वो बार बार खुद को कंट्रोल करता है उस लेवल का गुस्सा आने से, मगर कभी कभी वो उस कंट्रोल को भी खो देता है, जिसके कारण वो फाइटिंग के दौरान एक रियल वुल्वरिन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि बगैर गुस्से के वुल्वरिन की शान ही क्या है। नंबर 5,
वुल्वरिन के पास हीलिंग फैक्टर एक ऐसी पावर है जो कैंसर जैसी बड़ी से बड़ी बीमारी को खत्म कर डालता है, और उसके यही हीलिंग फैक्टर की वजह से उसके एज पर फर्क पड़ता है, जो कि उसकी एज एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपेयर में बहुत स्लोली ग्रो करती है, जिसका अंदाजा अपन उसके फिल्म से पता लगाएंगे। जैसा 2009 की थी ओरिजिन ऑफ वुल्वरिन में उसकी एज 100 से लेकर 110 साल के बीच में थी, फिर 2013 की थी वुल्वरिन में वो 130 या अंदाजन 150 साल की एज में था, और एंड में अपने 2017 की लोगन फिल्म में वो 200 से 250 साल की एज में अपनी जिंदगी काट रहा था। अब वो डेडपूल एंड वुल्वरिन में कितने साल का होगा वो तो मूवी आए बाद ही पता चलेगा, लेकिन एक बात तो कंफर्म है, दोनों के पास हीलिंग फैक्टर होने के कारण दोनों की एज बहुत स्लोली ग्रो करती है। नंबर 6, देखो हम लोग रियल वर्ल्ड में अपने वजन को लेके बहुत चिंतित रहते हैं, तो यही सेम प्रॉब्लम अपने वुल्वरिन भी कॉमिक्स में लेके चलता है। अब तुम सोच रहे होंगे कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, ना वो मोटा है, ना वो इतना खाता है, और ऊपर से उसकी फिटनेस भी है, तो मेरे दोस्त हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि उसकी बॉडी में पूरा एडामेंटियम डाला गया है, जिसकी वजह से उसकी शरीर की एक एक हड्डी एडामेंटियम से बनी हुई है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी का वजन 300 पाउंड है, बोले तो 136 किलो या उससे ज्यादा, और ये चीज उसको बैटलफील्ड रनिंग और फाइटिंग में तो प्रॉब्लम नहीं देती उसके स्टेमिना और हीलिंग फैक्टर के कारण, मगर जब अपने वुल्वरिन स्विमिंग पर उतर आता है तो एडामेंटियम के कारण और इतना सारा वजन के साथ उसको स्विम करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। जैसे अपन ने 2009 की दी ओरिजिन ऑफ वुल्वरिन में देखा था, जब वो स्ट्राइकर से छूटकर भागता है तालाब में कुदी मार के, तो उसकी सांस कितनी फूलती है। नंबर 7, अब तुम इसे फैक्ट बोलो या पावर, लेकिन वुल्वरिन निया के पास रेजिस्टेंट साइकिक्स है, जिसे वो मेंटल स्कार टिश्यू कहता है उसकी जिंदगी में इतना सारा गम झेलने के बाद, जो कि उसकी ये एबिलिटी कोई भी माइंड कंट्रोलर जैसे जीन ग्रे, प्रोफेसर एक, एमा फ्रॉस्ट जैसे साइकिक्स पावर वालों को अपने माइंड में घुसने से रोकती है, जो कि चार्ल्स जेवियर ने ही अपने लोगों के माइंड में मेंटल शील्ड क्रिएट की हुई है ताकि उसे कोई कंट्रोल ना कर पाए, क्या पता अपनी मम्मी वांडा कर दे। नंबर 8, देखो हमने 2013 की द वुल्वरिन में देखा था कि जब हिरोशिमा पर फैट बॉम्ब छोड़ा गया था, जहां पर अपना वुल्वरिन फौजियों के गिरफ्त में था, तो उस सीन में उसके कुएं में होते हुए भी उसकी बॉडी ने उस बॉम्ब के भाप को सरवाइव किया, लेकिन क्या आपको पता है अगर बॉम्ब अपने वुल्वरिन के बॉडी पर भी गिरा होता तो वो उसे भी सरवाइव कर देता, क्योंकि कॉमिक्स में एक बार वुल्वरिन के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था जिसमें वो सिर्फ एक खून के कतरे से पूरा रीजनरेट होता है, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब भी अपने वुल्वरिन का कुछ झाट नहीं उखाड़ सकते। नंबर 9, जब लोगन ने अपनी इंसानियत छोड़ के मतलब दुनिया से खफा होके जंगल में रहने चला गया, तो वो वहाँ जानवरों से कम्युनिकेट करता था, क्योंकि वुल्वरिन के पास दुनिया भर का एक्सपीरियंस है जिसमें से उसको एनिमल्स की सारी भाषाएं आती है, जैसे कि वुल्वरिन के स्टार्टिंग में हमने देखा ही है कि कैसे वो भालू से कम्युनिकेट करके मुस्कुरा रहा था। नंबर 10, देखो हम लोग जानते हैं कि लोगन के बोन्स पूरे एडामेंटियम से बने हुए है, लेकिन क्या तुम्हें पता है जब भी उसका हीलिंग फैक्टर चला जाता है ऑफ हो जाता है, जैसे अपने टोबी मैग्वायर वाले स्पाइडरमैन की पावर चली गई थी, तो वैसे ही वुल्वरिन का हीलिंग फैक्टर जब भी ऑफ हो जाता है तो उसके बॉडी के अंदर एडामेंटियम पॉइजन बनाना चालू कर देता है। और 2017 की लोगन मूवी में अपना वुल्वरिन इसी प्रॉब्लम की वजह से मरा था, उसको मालूम था कि उसे क्या चीज मार रही है, मगर फिर भी उसने मौत को गले लगाया, क्योंकि उसने जिंदगी में इतना कुछ देख लिया था जिसके बाद उसका जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा, लेकिन अब वापिस आ गया है, जो कि डेडपूल ने ही बोला था कि अगर मैं मदद मांगू तो कब्र में से उठ के आना पड़ेगा। तुम्हें इस वीडियो में से कौन सी वुल्वरिन की पावर या फैक्ट पसंद आया कमेंट्स में जरूर बताना, और तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, जिसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।